यहाँ होगा कल धमाल, ऐसा है तो पूरा यहाँ का बंदोबस्त। देखिए पूरा जो है फील्ड चेक लिया है, अभी मैं बताता हूँ आप लोग को कि ये कौन सा जगह में हो रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू योर न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? गाइस आज आप लोग के लिए मैं लेकर के आया हूँ और एक मज़ेदार खबर राउरकेला के बारे में। फ्रेंड्स अभी जो है 6 तारीख से, यानी कि आज से, आज मतलब जिस दिन मैं ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, आज से ही सेक्टर 2, अभी मैं सेक्टर 2 का ही फील्ड में हूँ। आप लोग को पीछे धूप दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा साइड में आकर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है तो मैं साइड में आकर के थोड़ा अपना ये स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग पहले देख चुके होंगे जो मैं 2-4 क्लिप पहले आप लोग को दिखा दिया, ये है सेक्टर 2 फील्ड का, सेक्टर 2 फील्ड का एक फंक्शन। गाइज़ ये फंक्शन जो है ये उड़ीसा का जितना भी बड़ा बड़ा सिंगर है, मैं ज़्यादा का तो नाम नहीं जानता, 2-4 का ही जानता हूँ, जैसे कि ह्यूमन सागर रोमांटिक और सैड सॉन्ग के लिए फेमस, और असीमा पंडा, और भी एक दो एंकर है, और भी कुछ एक दो सिंगर है, ये सब का सब जो है बोईतोबंदन का फंक्शन में यहाँ पर सेक्टर 2 का फील्ड में आने वाले हैं। 6 और 7 यानी कि आज का दिन और कल का दिन, संडे और मंडे, 2 दिन जो है यहाँ पे ज़ोरदार फंक्शन होने वाला है। फ्रेंड्स क्या होता है ना, हम लोग सिंगर लोग को, क्रिकेटर को, बॉलीवुड एक्टर को एक अपना रोल मॉडल मान लेते हैं, एक अपना इंस्पिरेशन मान लेते हैं, तो बहुत लोग का मन में ख्वाहिश रहता है कि यार कभी ह्यूमन सागर आता तो देखते, मिलते, फ़ोटो उठाते, कभी असीमा पंडा आती तो देखते, मिलते, फ़ोटो उठाते, ऐसा बहुत लोग का मन में चाहत रहता है। तो गाइज इसी के लिए ये खबर आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लोग इन लोग को पसंद करते हैं, वैसे तो बहुत लोग इन लोग को पसंद करते हैं, और कहते हैं कि काश हम लोग इन लोग से एक बार मिल लें, एक बार फ़ोटो उठा लें, तो गाइज ये सपना आप लोग का ज़रूर पूरा होने वाला है, क्योंकि 6 और 7 को जो है यहाँ पे एकदम ज़ोरदार फंक्शन होने वाला है। गाइज 6 और 7 को यहाँ पे आप लोग एकदम भी चांस को मिस मत कीजिए एंटरटेन होने का, अपना जो इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है, उन लोग को एकदम लाइव देखने का। गाइज अभी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि कैसे क्या तैयारी चल रहा है, साउंड बॉक्स, स्टेज किस टाइप का बन रहा है, तो हो सकता है कि ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप लोग देखना ज़रूर। गाइज ये जो है 2 नंबर सेक्टर 2 यानी कि जहाँ दुर्गा पूजा होता है, वही फील्ड में ये जो फंक्शन है किया जा रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स 2 नंबर का फील्ड में हूँ मैं, ये अपना हो गया राउरकेला का रिंग रोड, ये फील्ड जहाँ पे पूजा हुआ था वहीं पे देखिए उनका ऑफिस बना हुआ है, यहाँ आप लोग ऑफिस नज़र आ रहा होगा, और ये बांस से पूरा घिरा हुआ है। यहाँ आप लोग को आने के लिए कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, एड्रेस मैं पहले से बता चुका हूँ, और यहाँ कोई टिकट विकट लगने वाला नहीं है, आप लोग आराम से आकर के यहाँ पे 2 घंटा 4 घंटा जब तक भी फंक्शन चलेगा आप लोग आराम से आकर के यहाँ पर घूम सकते हैं, अपना फेवरेट जो स्टार्स है उन लोग से देख सकते हैं, शायद मिल भी सकते हैं ख़त्म होने के बाद फंक्शन। देखिए फ्रेंड्स बांस से यहाँ पे लिमिटेशंस बना दिया गया है, क्योंकि इतना इतना सिंगर आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जो है भीड़ होगा, बहुत अच्छा अच्छा गाना गाते हैं ये लोग, बहुत सुंदर सुंदर गाना गा चुके हैं ऑलरेडी, खास करके ह्यूमन सागर, मेरा तो फेवरेट है ह्यूमन सागर। ये देखिए बहुत ज़्यादा भीड़, लास्ट ईयर शायद कुछ झगड़ा वगैरह, मारपीट वगैरह ऐसा कुछ हो गया था सुनने में आया था यहाँ। देखिए स्टेज बन रहा है, चलिए मैं आप लोग को स्टेज का थोड़ा पास से दर्शन कराता हूँ। गाइस जो लोग ये करवा रहे हैं ये उनका ऑफिस है, देखिए 32वां बोईतोबंदन उत्सव, यानी कि 32 साल हो चुका है इस टाइप का प्रोग्राम हो रहा है यहाँ, हर साल कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है, लेकिन मैं आप लोग को बता नहीं पाता हूँ। खैर अब से तो ब्लॉग्स बनाना शुरू कर दिया हूँ, तो आप लोग को हर जानकारी मैं अपना तरफ से देने का कोशिश करूँगा। ये देखिए स्टेज किस टाइप का बन रहा है, बॉक्सेस देखिए यहाँ पे कितना कितना बॉक्सेस है, ये सब साउंड से रिलेटेड ही है, देखिए कितना बड़ा बड़ा बजेगा तो क्या होगा, सोच लीजिए कितना मज़ा आने वाला है। ये देखिए यहाँ लगा हुआ है, वो देखिए वहाँ बैठने के लिए है, वो सोफ़ा वोफ़ा बैठने के लिए, मतलब जो लोग VIPs है ये जो है उनके लिए ही होगा, बाकी जो लोग हैं नॉर्मल लोग जो, वो यहाँ खड़े रहेंगे और शो को, फंक्शन को एंजॉय करेंगे। देखिए स्टेज भी कितना अच्छा खासा बन रहा है, ये जो है ये अभी आधा में लगा हुआ है लाइट वाइट, ये और ऊपर जाएगा, देखिए यहाँ से चेन से बंधा हुआ है,
ये एकदम ऊपर जाएगा, यहाँ यहाँ जाएगा ये। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे स्टेज के अंदर भाई लोग खाना वाना खा रहे हैं, आधा बन चुका है और आधा ये सबको देखिए उठाएंगे। कैसा कैसा लाइट है देखिए, चलिए मैं आप लोगों को लाइट दिखाता हूँ। कितना हैवी हैवी लाइट यहाँ पे लगाया जा रहा है। यहाँ इतना बड़ा बड़ा साउंड बॉक्स रखा गया है कि जब बजेगा तो धरती हिलने लगेगा जैसा लग रहा है। ये देखिए स्टेज भी जो है काफ़ी बड़ा बनाया जा रहा है क्योंकि इतना इतना लोग आएंगे, दो तीन एंकर भी है, सिंगर है, शायद एक्टर भी है, इतना डिटेल्स तो नहीं पता लेकिन बहुत लोग आ रहे हैं। आप जिन लोगों का भी आप फ़ोटो देखे हैं थंबनेल में वो सबके सब यहाँ आ रहे हैं, ऐसा यहाँ ऑफिस में एक भाई बता रहे थे। कोई टिकट नहीं, कोई चार्जेस नहीं, आप लोग आराम से आइए और एंजॉय कीजिए। आप लोग को बता तो दिया हूँ लेकिन एक बार ऑफिस का जो यहाँ का एड्रेस है एक बार आप लोग देख लीजिए, नवंबर 6 और 7 उत्कल सांस्कृतिक परिषद, जयदेव नगर, सेक्टर 2, राउरकेला। ये रहा फील्ड, जो लोग जानते होंगे उन लोग को तो देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है लेकिन जो लोग नए हैं उन लोग के लिए बहुत बड़ा फील्ड है ये। फ्रेंड्स ये जो खबर है मेरे को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लगा आप लोग के लिए, इसलिए मैं अपने ड्यूटी को थोड़ा सा रेस्ट दे करके आप लोग के लिए ब्लॉग बनाना ज़रूरी समझा। आप लोग अगर स्टार्स को रियल में देख लेंगे तो एक अलग ही फीलिंग, एक अलग ही मज़ा आता है, यही सोच करके मैं ये ब्लॉग बनाया। आप लोगों को अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर ब्लॉग पसंद नहीं आया, यूज़फुल नहीं लगा तो शेयर ज़रूर कर देना। हो सकता है जो चीज़ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट ना हो वो आपका दोस्त फ्रेंड रिलेटिव के लिए इम्पोर्टेंट हो, तो अगर आप लोग नहीं देखना चाहते हैं तो शेयर ज़रूर कर देना ताकि दूसरा लोग एंटरटेन हो सके और अपना जो रोल मॉडल स्टार्स लोग को एकदम फेस टू फेस सामने देख सके। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद तो ज़रूर आएगा क्योंकि राउरकेला में आ रहे हैं ये जो सिंगर, पहले आए हैं या नहीं आए हैं ये तो मेरे को नहीं आइडिया है लेकिन अभी आ रहे हैं तो अभी का बात करते हैं और अभी के लिए ही ब्लॉग बना रहा हूँ। तो गाइज़ 6-7 यानी संडे मंडे मिस मत करना। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आप लोग को ज़रूर 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 पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए क्योंकि ऐसा ही और ब्लॉग आप लोग को मिलने वाला है मेरा चैनल पर। गाइज़ मिलता हूँ कुछ दिन बाद एक और नया प्लेस, एक और नया ब्लॉग के साथ। तब तक टाटा बाय बाय।